हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं ट्रेल मेकर्स में एक बार फिर से। और गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं बेस्ट मोटरसाइकिल बिल्डिंग चैलेंज। और आप देख सकते हैं चॉपर मेरे पास यहां पे नई एकदम चमचमाती हुई बाइक्स है, यानी कि मोटरसाइकिल्स। और गाइस, ये एक्चुअली हमारी नहीं है, ये मैंने बस आपको प्रोटोटाइप के लिए दिखाई है। ये इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा यूजलेस है यार, दिखती बहुत जबरदस्त है लेकिन है बहुत ज्यादा यूजलेस। देख रहे हो, स्पीड भी नहीं है इसके अंदर। फोटो भाई यार, एकदम फालतू बाइक है भाई। अरे तो मैं क्या करूं यार, हम लोग ये बस डेमो के लिए दिखा रहे हैं गाइस कि कैसी बाइक हम लोगों को बनानी है और काफी ज्यादा ऑसम होनी चाहिए। मतलब इससे तो डेफिनेटली बेटर होना ही चाहिए स्पीड वाइज, प्लस गाइस आई मीन कंट्रोलेबिलिटी वाइज, क्योंकि देख रहे हो जंप तक नहीं होता है इससे। एनीवेज गाइस, हम दोनों के पास है लगभग 10 मिनट, ठीक है। और हम लोगों को एक ऐसी बाइक बनानी है जो कि फंक्शनल हो, दिखे मस्त, चले मस्त, और दो पहिए होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर दो पहिए से ज्यादा होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और उसको बाइक में काउंट नहीं किया जाएगा और आप प्रीटी मच मैच हार जाओगे। एनीवेज गाइस, चलो अपन लोग फटाफट से शुरू करते हैं। अरे अरे भाई, बाइक पलट गई तेरी। फोटो भाई, अब बाइक है कि अंडा है भाई, पलट जाता हर 2 सेकंड पे। अरे मैं क्या बोलूं यार। चलो गाइस, हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से जल्दी अपना चैनल स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने अपना अपना टाइम कंप्लीट कर लिया है यहां पर। और चॉप रेडी है क्या भाई? फोटो भाई, मैं तो रेडी हो गया भाई, आप बताओ यार, आप रेडी हो कि नहीं? अरे भाई मैं भी रेडी हूं, टाइम भी खत्म हो चुका है और अब टाइम है बाइक स्पॉन करने का। सबसे पहले मैं स्पॉन करता हूं अपनी बाइक, उसके बाद तू करियो, ठीक है? So guys, ये देखो, ये रही मेरी बाइक। और आप लोग बताओ यार कैसी है। मेरे को यार इसको ब्रेक लगाने के लिए यहाँ पे पार्क करना पड़ा, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फर्स्ट भाई यार, ऑडियंस को भी दिखाओ भाई आपकी बाइक कैसी है। अरे देखो गाइस, इग्नोर कर देना, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है इस बाइक के साथ, लेकिन मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया भाई। यहाँ पे जो भी मेरे से बन सका मैंने बनाया और मेरे हिसाब से यार ये काफी ज्यादा बढ़िया है। आप लोग देख सकते हो भाई, इसकी डिजाइनिंग कितनी मस्त करी गई है। यहाँ पर भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ दो पहियों का इस्तेमाल किया है और देखो भाई, चलती भी बहुत बढ़िया है। फर्स्ट भाई, मानना पड़ेगा भाई आपकी बाइक सही में दिख तो बहुत सही रही है भाई। अरे तेरी बाइक नहीं है क्या भाई? मेरे को डाउट लग रहा है गाइस, चॉप ने इस बार भी कुछ झोल मोल किया होगा। सो गाइस, मैंने चॉप को भी यहाँ पर एक बाइक दे दी। अब हम दोनों को ही मिल करके इस बाइक को साथ में टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सही में अच्छी है या फिर नहीं। वैसे सच बताऊं तो मैंने इसको थोड़ा मोड़ा टेस्ट किया है भाई, चलाने में बहुत सही है। देख रहे हो, बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपकी बाइक यार गिरनी नहीं चाहिए और मेरे हिसाब से ये बाइक बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब वो अलग बात है भाई कि मेरा बंदा बहुत ज्यादा छोटा है इस बाइक के सामने और ये बाइक भाई साइज में बहुत ही बड़ी है, लेकिन आप लोग उसको इग्नोर करो क्योंकि भाई देखो, ट्रेल मेकर में अगर मैं छोटी बाइक बनाता तो आप लोग को देखने में दिक्कत होती। अरे अरे अरे, और भाई ये क्या था भाई साहब, इसको नशे वशे चढ़ते हैं क्या? फर्स्ट भाई, मेरे को नहीं पता यार, आपने बनाया बाइक। अरे इसको पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवेज गाइस, देखो कितना मस्त लग रहा है ना, मतलब बालू हो, घास हो, रोड हो, किसी भी चीज के ऊपर एकदम मक्खन चलती है हमारी बाइक। स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़िया है, आप लोग देख सकते हो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे टच कर चुके हैं और टेक ऑफ हो गया। और अरे भाई, व्हीली वगैरह मार लिया यार हम लोगों ने। फर्स्ट भाई, स्टंटिंग बाइक बना दिया क्या आपने? अरे नहीं भाई, ये स्टंटिंग नहीं है, ये रेसिंग बाइक है। और गाइस देखो कितना जबरदस्त मौसम है आज ट्रेल मेकर्स के अंदर। वैसे मौसम तो हमेशा ही अच्छा होता है। अरे भाई गिरियो मत, एक्सीडेंट नहीं करवाना मेरे को। और ये कीचड़ों में थोड़ा बाइक को चला के देख लेते हैं गाइस, हो सकता है कि कुछ नया देखने को मिल जाए। ओ भाई, स्पीड तो काफी सही जा रही है और यहाँ पर ऊपर चढ़ गई। देखा देखा, इंजन भी पावरफुल है। अरे अरे पानी है भाई, पानी है, उधर नहीं, रुक जा। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग यहाँ पर से पीछे चलते, नहीं तो पता चला पानी वगैरह के अंदर गिर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आराम से फूट जाएगी यार। डैम इट, चलो कोई नहीं, अपन लोग रिस्पॉन्ड करते और निकलते हैं। गाइस आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना आपको मेरी बाइक कैसी लगी। मैंने इसके अंदर ना यार बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी के गिम्बल्स फिट किए हैं और तो और भाई मैंने इसके अंदर बूस्टर भी लगाए। देखो छोटा छोटा मिनी मिनी बूस्टर लगाया है यार। और मेरे को भाई इसका स्टीयरिंग सही करने में इतना समय लग गया ना, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन फाइनली किसी तरीके से मैंने यार इसकी स्टीयरिंग को परफेक्ट कर लिया और मेरे हिसाब से मेरे को यह बाइक बहुत पसंद आई यार। मैं तो इसको 10 में से 10 दूंगा। देख रहे हो, स्टंट वगैरह भी मार लेती है, व्हीली भी मार लेती है भाई। ऐसी बाइक मिलेगी क्या आपको कहीं? फर्स्ट भाई, आप ही ने बोला था भाई स्टंट बाइक नहीं बनाना, अपन लोग को रेसिंग बाइक बनाना है भाई, मैंने तो रेसिंग बाइक बनाया है। अरे यार तू भाई चैलेंज को ऐसे इधर उधर मत ले जाया कर भाई। ओए 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 ओए, आराम से भाई साहब, बेब्लेड कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है, मेरी बाइक क्या नाच रही है भाई। फर्स्ट भाई, आपकी बाइक इधर भी नाच रही है ब्रो। ऑलराइट गाइस, हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर चुके हैं एंड आई थिंक दैट वाज इट। आई थिंक ये बाइक बहुत ही ज्यादा ऑसम है और बोलो तो एक स्टंट भी मार के देख ही लिया जाए। रुको रुको गाइस, एक बार जंप जब तक नहीं कराएंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि बाइक अच्छी है या खराब है, तो इसीलिए मैं आता हूँ पीछे से और उसके बाद हम लोग करेंगे फुल स्पीड में जंप। चॉप तू रेडी रहना ऊपर, ठीक है? तू बताना मैंने कंप्लीट किया या नहीं। एंड हियर वी गो गाइस, काफी ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं यहां पे एंड जंप। ओ भाई ये हुई ना बात। फर्स्ट भाई मानना पड़ेगा यार, आपने बाइक तो बहुत अच्छी बना दी, ऑल्दो आपकी बाइक बहुत ज्यादा बड़ी है लेकिन भाई मेरे को पसंद आई भाई। अरे थैंक यू ब्रो। देखो बहुत मेहनत लगती है
होती है ऐसी बाइक को बनाने में, इतना आसान नहीं है। सालों की तपस्या लगी है भाई मेरे को ट्रेल मेकर्स के अंदर। भाई कल मैं 1 घंटे प्रैक्टिस करने आया था, तब जाके गाइज हम लोगों ने ये बाइक को यहाँ पर बनाया है। और अब टाइम है इसकी रेटिंग का। तो चौप मेरे दोस्त बता, तू कितना नंबर इसको देना चाहेगा 10 में से इसके लुक्स के लिए? फर्स्ट भाई देखो भाई, मेरे को यह दिखने में तो एकदम बाइक जैसी लग रही है, तो इसलिए मैं इसको 10 में से 8 दूंगा भाई। और स्पीड के लिए तू कितना देगा? फर्स्ट भाई स्पीड के लिए तो मैं इसको स्पीड के लिए भी भाई मैं इसको 10 में से 8 ही दूंगा भाई, क्योंकि बहुत तेज जाती है, 150 किलोमीटर मजाक नहीं है भाई। ऑलराइट गाइस, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। एंड आई थिंक ड्यूरेबिलिटी के लिए भी तू 10 में से 8 ही देगा, क्योंकि भाई मेरी बाइक इतनी आसानी से टूटती नहीं है। हाँ फर्स्ट भाई स्पीड भी बहुत सही थी आपकी बाइक पे, मतलब टोटल आपको भाई 24 नंबर मिलेगा भाई 30 में से। अरे थैंक यू भाई, मजा आ गया। गाइस आप लोग भी बताना अपने रेटिंग्स कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मैं तब तक के लिए इस बाइक को करता हूँ पार्क, और अपन लोग देखने चलते हैं कि चॉप की बाइक कैसी है। फर्स्ट भाई ये देखो मेरी बाइक। अरे ये क्या बना दिया तूने? ओ भाई ट्रांसफॉर्म वगैरह कर रही है अभी, ये तूने बनाया? भाई मैं जानता हूँ तूने कॉपी किया है। फर्स्ट भाई देखो ऐसे मत बोलो यार, ये बैटमैन सर्जी का मैंने चोरी करके लाया है। अबे चोरी नहीं करना था यार। अच्छा छोड़ो, हटाओ, बताओ इसका फीचर क्या है? भाई गोली मारता है क्या ये? फर्स्ट भाई आपने फीचर मत पूछा भाई, मैंने फीचर बता दिया आपको। ओ माय गॉड भाई ये क्या बना दिया, मैंने तो तेरे को गन्स लगाने के लिए बोला भी नहीं था। गाइस देख रहे हो ये कुछ भी कुछ कर रहा है यार, ये तो बाइक लग भी नहीं रही है। तू है कहाँ, अंदर बैठा है क्या? ओ भाई ये तो अंदर घुस के बैठ गया भाई, क्या सही। ऊपर से इसने कवरिंग सिस्टम लगाया, मीन इसने क्या लगाया है। गाइस ये बैट मोबाइल है, और आप लोग बताना आपको कैसी लगी ये। हम लोग सब जानते हैं चॉप द हग्गू से, हग्गू के बस का है नहीं बाइक वगैरह बनाना भाई, इससे सिंपल गाड़ी नहीं बनती। बाइक तो फिर भी बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। एनीवेज तो चॉप भाई मेरे को भी देना ये गाड़ी। फर्स्ट भाई आप अपना ले लो यार, मेरे को क्या बोल रहे हो। ओ माय गॉड गाइस लगता है ये चॉप हमारी मदद नहीं करने वाला है, मेरे को खुद से ही स्पॉन करना पड़ेगा। रुको मैं निकालता हूं 1 सेकंड। ऑलराइट गाइस मैंने स्पॉन कर ली है, और आप लोग देख सकते हो वेल काफी ज्यादा बढ़िया रही है। क्या हो गया, स्पेसशिप बन गई थी भाई। ओ भाई साहब बंदा एकदम अंदर बैठ गया। ए भाई ये क्या है, इसका तो गेट भी मस्त बंद हो जाता है। फर्स्ट भाई इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये एकदम झकास बाइक है, और मेरे को क्यों मार रहे हो भाई मेरी मशीन गन से। अरे भाई चल रहा अपन लोग फाइट करते, देखते हैं कौन जीतता है, क्योंकि इसके अंदर गन्स लगे हुए गाइस तो मजा आएगा। और कौन जा रहा है, और मारो इसको, मारो इसके ऐसी की तैसी। फर्स्ट भाई आप ही के ऊपर लैंड कर जाऊंगा, मारते रहना फिर। अरे हट भाई हट, मेरे ऊपर से हट। ओ भाई 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 देखा नीचे से निकल गया ना। ओ भाई साहब बार बार गाड़ी फूट जाती है गाइस चॉप के चक्कर में। रुको फिर से रिस्पॉन करते हैं, एंड अब चलाएंगे हम लोग मस्त गाड़ी को। ये चॉप का बच्चा कहां गया? ऑलराइट चॉप रेडी हो जा भाई, हम लोग करने वाले हैं यहां पर फेस टू फेस बैटल। क्या तू रेडी है? ऑलराइट फर्स्ट भाई आ रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाओ भाई। ऑलराइट गाइस जैसे ही चॉप रेडी होगा हम लोग यहां पे फेस ऑफ करेंगे, और देखते हैं कौन जीतता है फेस टू फेस बैटल में। हियर वी गो, लेट्स गो। अरे ये तो पागलों के जैसा उड़ता हुआ आ रहा है। ओ भाई क्या होगा। अरे दोनों मिस कर गए, किसी की गोली नहीं लगी। फर्स्ट भाई एकदम मस्त गाड़ी बनाई है ना मैंने। अरे तूने थोड़ी बनाई है भाई, तूने तो कॉपी कर लिया। ओह माय गॉड गाइस सही में काफी इंटरेस्टिंग कार है। और गाइस मेरे को लगता है हम लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में ना हवर बाइक्स बनानी चाहिए, जिनके अंदर गन्स फिट होंगे, और उसके बाद हम दोनों मस्त बैटल कर पाएंगे। फर्स्ट भाई आपने तो मेरे को भून दिया भाई गोलियों से, और आपको बैटल की पड़ी हुई है। अरे तो भाई मैंने बोला था ना कि हम दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो रही है। गाइस ये गाड़ी गोलियां भी बहुत अच्छे से झेल लेती है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 गोली में इसका हालत खराब हो जाता है। आप लोग देख सकते हो, आई मीन अपार्ट फ्रॉम इट इसके अंदर बहुत तगड़ी शील्ड प्रोटेक्शन की हुई है इन लोगों ने। आई थिंक आर्मर अच्छा चढ़ाया है भाई, हाई क्वालिटी का मेटल यूज किया गया है भाई। मानना पड़ेगा बैटमैन ऐसे ही नहीं चलता यार, उसको बड़े बड़े चोरों को पकड़ना रहता है, तो इसीलिए उसकी बाइक यार अगर ऑसम नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अरे पानी में नहीं जाना भाई, बैटमैन गुस्सा करने लगेगा हम लोगों के ऊपर। और गाइस देखो डिटेलिंग भी कितनी मस्त की गई है इस गाड़ी के अंदर, हर एक पुर्जे को स्पेशल ध्यान दिया गया है, कस्टमाइजेशन किया गया है, और कैमो फिनिश भी यहाँ पर चढ़ाई गई है ताकि कैमोफ्लाज हो सके ये। और मतलब गाइस इसको देख करके ना दुश्मन आपको पहचान ही नहीं पाएंगे, ऑल दो भाई जंगलों में चलाओगे तब शायद होगा ऐसा, लेकिन स्टिल माना पड़ेगा भाई बाइक तो तूने सही बना दी है। स्पीड वगैरह भी इसकी बहुत अच्छी है। एक काम करता हूँ यहाँ पर ना मैं इसके ऊपर टेस्टिंग करता हूँ, देखते हैं कि कितनी गोलियों में डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओ भाई इतनी ज्यादा गोलियां लग गई इसको मारने में, लेकिन भाई फिर भी डिस्ट्रॉय तो पूरा हो गया यार। गाइस यानी कि इसके अंदर जो गन्स लगे है ना वो सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है। फर्स्ट भाई मेरे पास एक आइडिया है भाई, क्यों ना अपन लोग रॉकेट स्पॉन करके उसको मारे भाई। हाँ ये अच्छा आइडिया है। गाइस रुको, आप लोगों को याद होगा पहले हम लोगों ने रॉकेट चैलेंज किया था, एक काम करता हूँ मैं वही रॉकेट को स्पॉन करता हूँ यहाँ पर, और उनके ऊपर इस बाइक को टेस्ट करते हैं, और देखते हैं भाई कि कितना टाइम में वो पूरे के पूरे रॉकेट डिस्ट्रॉय कर पाते हैं अपन लोग। फिलहाल तो मैं चॉप को मार रहा हूँ मजे से, हट जा सामने से। ऑलराइट
गाइस ये लीजिए, देखिए रॉकेट मैंने स्पॉन कर दिया है, अब दबा के फायरिंग शुरू करते हैं। पम 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 पम, अरे कहां एम कर रहे हो भाई, सीधा तो एम कर लो, अरे सीधा मारना है, और ये मारते चले जाओ मारते, अरे भाई लग ही नहीं रहा। ओके ओके, फाइनली रॉकेट यहां पर डैमेज होना शुरू हो चुका है। ओ भाई सब पूरा नीचे का इंजन बेस हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, रॉकेट यहां पर नीचे गिरते हुए एंड ब्रॉम भाई एक्सीडेंट हो गया। चलो चलो इसको इसको मारते हैं भाई, भाई इसका आज पूरा का पूरा ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे। भाई क्या कर रहे हो, मेरा रॉकेट को यार अकेला छोड़ दो भाई, नहीं 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 मैंने करने दूंगा भाई। अरे ऐसे कैसे भाई, अभी हम लोग का एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, बीच में मत आ भाई नहीं तो तेरे को गोली लग जाएगी। ओ माय गॉड भाई, रॉकेट को मैंने आधा डिस्ट्रॉय तो कर दिया है गाइस, आप लोग देख सकते हो हर एक पुर्जे को हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, और प्रो कुछ भी नहीं बचा रॉकेट का भाई। रॉकेट जैसा इतना पावरफुल चीज भी भाई इस कार के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब यार रॉकेट वगैरह मार के गिराना होना अगर आपको तो इसी गाड़ी पे आप भरोसा कर सकते हो। और देखो क्या भाई कितना मस्त मोटा ताजा रॉकेट था भाई, हका नूडल बना के छोड़ दिया हम लोगों ने इसको। छोटे भाई अचानक क्या भाई, मेरे रॉकेट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं खेलता हूँ भाई। अरे कहाँ लेके जा रहा है रॉकेट, रुक जा रुक जा। अरे भाई ये तो रॉकेट ही लेके निकल गया गाइस, छोड़ो हटाओ। एनीवेज आप लोगों ने देखा कैसा लगा आपको ये बाइक भाई, कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से इसकी रेटिंग भाई 10 out of 10 है, हर क्राइटेरिया में ये चीज ओपी है, 30 में से 30 दूंगा मैं भाई। चॉप जा ऐश कर, भले तूने कॉपी किया हो लेकिन बहुत अच्छी बाइक चूज की है तूने। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, आप लोग अपने कॉमेंट्स में यार रेटिंग छोड़ देना ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड स्टे फ्रॉस्टी।